मुंबई करों की ओर से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब कोरोना नियंत्रण में है तो आम यात्रियों के लिए मुंबई लोकल शुरू क्यों नहीं हो रही है, प्रतिबंधों और नियमों में ढिलाई क्यों नहीं की जा रही है। इस बढ़ती हुई मांगों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका एक अहम फैसला करने जा रही है। आने वाले 15 जुलाई को इस संबंध में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में मुंबई करों के लिए मुंबई लोकल शुरू करने सहित अन्य प्रतिबंधों और नियमों में भी छूट देने की घोषणा की जा सकती है। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके मुंबई करों के लिए मुंबई लोकल शुरू की जा सकती है। ऐसे नागरिकों को ऑफिस और अन्य जगहों में आने और जाने का विचार किया जा रहा है। यह जानकारी मुंबई महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त सुरेश ककानी ने दी है। मुंबई में फिलहाल कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, इसके बावजूद कोरोना की तीसरी लहर के डर से राज्य सरकार प्रतिबंध हटाने में संकोच कर रही है। इसी वजह से मुंबई लोकल और अन्य सेवाएं आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन अब आम लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई को एक अहम मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दोनों डोज ले चुके लोगों को मुंबई लोकल और अन्य सेवाओं में छूट देने की अनुमति दी जाएगी।